बैठिए बैठिए आप। हेलो कब आए? जैसे 10 बजते काम चालू आए तो देखा जी, जब आए जी आशा में या काम कर कुछ ना आवा, आशा वाला काम जो हम दिक्कत है भैया उद्देश्य तो निश्चित है कि हिंदू समाज इस समय प्रफुल्लित है। हिंदू समाज के गौरव का विषय है कि 500 साल के एक लंबे संघर्ष के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। 22 जनवरी को रामलला अपने भवन में विराजमान होंगे। इस उद्देश्य से एक बहुत बड़ा यहाँ समारोह है। देश के कोने कोने से आने वाला हिंदू समाज जो इस समारोह में सम्मिलित होने आएगा, और जो 22 जनवरी को यहाँ समारोह है, उस 22 जनवरी के समारोह में जो पूज्य संत चरण आएंगे, वो सब लोगों की सेवा के लिए, उनके भोजन प्रसाद के लिए देश के कोने कोने से कुछ न कुछ खाद्य सामग्री आ रही है। तो इसी निमित्त यह लखीमपुर खीरी से आज सुबह यह ट्रक आया है। इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री है और यह यहाँ केंद्रीय भंडार गृह में रखा जाएगा, और यहाँ से जो अपने भोजनालय चल रहे हैं उन भोजनालयों में यहाँ से भेजा जाएगा। यहाँ इसमें चावल है, चीनी है, गुड़ है, तेल है, मसाले के सामान हैं, यही सब सामान है। लखीमपुर खीरी जिला है, यहाँ वहाँ हिंदू समाज के प्रयत्न से, कोई संस्था से नहीं, हिंदू समाज के प्रयत्न से कल यह वाहन प्रस्थान हुआ है। हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय पंकज जी इसको जो है वहाँ से विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन के पश्चात इस वाहन को वहाँ से प्रस्थान किए हैं। दिवाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के सत्संग प्रमुख का दायित्व है, विश्व हिंदू परिषद का, और इस केंद्रीय भंडार गृह का प्रमुख का दायित्व है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।